हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 8 चैप्टर नंबर 23 रिसोर्सेज। इसमें आज हम कौन-कौन से टॉपिक करेंगे एक नजर देख लेते हैं। रिसोर्सेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, एंड साथ में देखेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेशनल नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The United Nations estimate that the world's population will reach 9 billion by the year 2050. कि हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 9 बिलियन तक रीच करेगी by the year 2050. As the population increases, the demand for the remaining natural resources will also increase. ठीक है, तो मतलब कि अगर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो उतनी ही चीजों का यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जितने उसके रिसोर्स होंगे, जो चीजें होंगी वो ज्यादा से ज्यादा वो उनका यूज करेंगे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी। वी हैव टू फाइंड अवर कॉस्ट टुवर्ड्स इंक्रीजेस अ वर्ल्ड दैट कैन लिव विद वन प्लैनेट गिवन टू द एक्सप्लॉयटेशन रेट ऑफ द एनवायरनमेंट यू विल एंड अप यूजिंग टू और थ्री प्लैनेट्स, सेड डॉक्टर गुंथर बैकमैन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द जर्मन काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी देख सकते हैं, 9 बिलियन इज अ ह्यूज पॉपुलेशन। There are large stretches in many parts of Africa, Antarctica, Asia, where there are very few human settlements. Some population can migrate and settle in these parts of the world. Does that mean we should stop use things and leave them for the next generation? Means, तो ये जो चैप्टर है रिसोर्सेज के बेस पे, जिस भी चीज का हम यूज करते हैं, कोई भी थिंग्स है अगर हम उसका यूज करते हैं तो उसे हम एज ए रिसोर्स हम ले सकते हैं उसे। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि does that mean कि हम इतनी सारी चीजों का यूज कर रहे हैं, अब इतनी सारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की हो जाती है, तो वो मैक्सिमम जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड रिसोर्सेज हो, अगर उनका यूज करेंगे तो क्या होगा, वो जो रिसोर्सेज हमारे जल्दी से वो फिनिश हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से इतनी सारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो जाहिर सी बात है कि वो रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा वो यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज है हम उनको क्या यूज करना छोड़ते हैं उनको, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये हमने क्या करना है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमने सिर्फ उसे उतना ही यूज करना है जितनी की हमें उसकी नीड है। ये नहीं कि हमने जैसे अंधाधुंध का यूज हमने करी जाना है। ठीक है, तो जितना रिसोर्सेज का हमें यूज है, जितना हम कम कर सकते हैं उतना हमें रिसोर्सेज का यूज करना है हमें। ठीक है, अब देखते हैं हम की रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज मीन्स ह्यूमन बींग्स। There are many things around us which we use. The land on which we live, the plants we eat as food, the cloth we wear, the air we breathe, the water we drink, minerals, fuels, even the means of transport and communication and etc. ये सारी चीजें जितनी भी things हैं ये हम use कर रहे हैं as a resource. Any aspect of the physical environment that people value and use to meet a need is termed as resource. Means, कि हम किसी भी थिंग्स का, ये थिंग्स आप बता दीजिए, इनका हम यूज कर रहे हैं, कौन यूज कर रहा है, पीपल, किस फॉर्म में है ये, जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं इसका यूज करके, जो हमारी नीड्स है हम उन्हें मीट कर रहे हैं, जो हमारी नीड्स है हम उनको फुलफिल कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक रिसोर्स है। मीन्स हम किसी भी थिंग्स का यूज कर रहे हैं, उससे हम एनर्जी गेन कर रहे हैं, या फिर हम उससे जो हमारी नीड्स है हम उसको अपनी फुलफिल कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिस थिंग्स का हम यूज कर रहे हैं वो रिसोर्स है हमारे लिए। एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन देयर नेचुरल फॉर्म एंड हैव नॉट येट बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस आर नोन एज सब्सटेंसेस। ठीक है, जिस थिंग्स का हम यूज कर रहे हैं हम कह सकते हैं कि वो हमारे रिसोर्स है, और हमारी जो नीड्स है, जो बेसिक नीड्स है, तो हम उसे फुलफिल कर रहे हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि रिसोर्स। लेकिन जो एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन नेचुरल, एलिमेंट जो हमारे पास नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट है और साथ ही साथ हम उनका यूज नहीं करें, हैव नॉट बीन यूज्ड, जो ह्यूमंस उनका यूज नहीं करें, तो कह सकते हैं कि वो हमारे लिए सब्सटेंस है हमारे लिए। व्हेन विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल दीज सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। जब हम किसी टेक्निकल नॉलेज का या स्किल से उस सब्सटेंस का जब हम यूज करते हैं जो कि सेटिस्फाई करती है ह्यूमन नीड्स को, दे बिकम रिसोर्सेज। ठीक है, वैसे एग्जांपल देखते हैं, द सन हैज बीन अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी सिंस टाइम इमेमोरियल, बट इट्स लाइट एंड एनर्जी बिकम रिसोर्सेज। ठीक है, तो जैसे सन की लाइट है जो हमारे सोर्स है हमारे लिए, और जो उससे एनर्जी हम गेन कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है वो, हमारे लिए वो रिसोर्स है। ओनली व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग देम फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी
cooking and so on. Thus, sun became a resource when solar energy was tapped for utilization. ठीक है, ये नेक्स्ट फॉर्म है, ये सन से हम क्या हम यूज कर रहे हैं, उसकी सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, जो हमारी नीड्स है हम उनको फुलफिल कर रहे हैं. तो एज हम सन की जो लाइट है उसको भी हम एज ए रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं सोलर एनर्जी. उससे क्या करते हैं, उससे हम एनर्जी गेन करते हैं. ठीक है, उस एनर्जी से हमारी जो जो रिक्वायरमेंट्स है उनको हम फुलफिल करते हैं. सब एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज आर गिवन अलोंग साइड. ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स है हमारे की कौन कौन से रिसोर्सेज है जो हम यूज करते हैं, तो किसी भी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, ऑयल का यूज करते हैं, फिश का, ट्रीज का, बर्ड, इन चीजों से क्या करते हैं, हम हमारी जो नीड्स है उसे हम फुलफिल करते हैं. ठीक है, ये जितनी भी थिंग्स दी गई है हमारी ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है. जैसे हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं ताकि हम उसे हम एनर्जी गेन कर सके, और एनर्जी का क्या करते हैं, एनर्जी का हम यूज करते हैं. एनर्जी का यूज किस में करते हैं, अगर हम अगर हम प्लांट्स को ईट करें या अगर हम मीट को ईट करें, तो उससे क्या हम एनर्जी गेन करते हैं, तो वो भी हमारी एक रिसोर्स है. तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एनर्जी की नीड है, हमें इसलिए हम इनका यूज करते हैं. तो वैसे देखते हैं सोलर एनर्जी, ऑयल, फिश, ट्रीज, वाटर, टिम्बर, मेटल्स, एनिमल्स, ऑक्सीजन, फॉसिल फ्यूल्स, एटमोस्फेयर, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फ्लावर एंड सो ऑन. क्योंकि जितनी भी थिंग्स प्रेजेंट है अर्थ पे या इवन बियॉन्ड द अर्थ, तो हम उस चीज का यूज करते हैं एज अ रिसोर्स. अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज. इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस. ठीक है, तो हमारी जो लाइफ है काफी सारी चीजें मटेरियल सब्सटेंसेस हमारी लाइफ को सराउंड करती है. हमारे आसपास काफी डिफरेंट टाइप की थिंग्स प्रेजेंट है जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्पफुल होती है, बट मेनी ऑफ देम मे नॉट बी ऑफ एनी यूज टू अस. इस वजह से ऐसी है कि जो हमारी यूज की भी है, सम ऑफ दीस थिंग्स मे हैव इकोनॉमिक वैल्यू बाय अदर्स मे नॉट. तो इसमें जो कुछ चीजें हैं उनकी हमारी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू हमारे प्रेजेंट नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स लाइक ऑल, माइका, सिल्वर एक्सेट्रा, ये हमारी इकोनॉमिक वैल्यू हमें प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे कैन बी सोल्ड फॉर अ प्राइस एंड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस थिंग्स. मीन्स जितनी चीजें हम इनका यूज कर रहे हैं, ऑन द